सर, क्योंकि आप उत्तराखंड से, एक सवाल उत्तराखंड पर भी, क्या अब जिस तरह से घमासान कांग्रेस के अंदर पंजाब में दिख रहा है, क्या ऐसा ही कुछ हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा? मैं एक बात कहूं, एक पुराना शेर है, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। दूसरी पार्टियों के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, आप देखिए, भाजपा को अपना मुख्यमंत्री चलते चलते बदलना पड़ा और उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री आए। अब उन मुख्यमंत्री के सामने प्रश्न ये उठा कि वो विधानसभा का चुनाव 6 महीने के अंदर लड़ करके सदन के सदस्य हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसमें कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग का एक ऐसा घोटाला है जिस घोटाले ने सारे राज्य को हमको शर्मसार करने का काम किया है। उन सब बातों पे नहीं, लेकिन कांग्रेस के अंदर, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, लोकतांत्रिक पार्टी में अलग अलग तरीके के विचार होते हैं, सोचें उभरती हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, कोई घमासान नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ, जो भी हमारी पिछले दिनों CLP की लीडर की आकस्मिक मौत हो गई, तो उनके स्थान पर CLP के लीडर का चुनाव होना है जी। सबने सर्वसम्मत तरीके से कांग्रेस हाईकमान को कहा है कि वो नामजद कर दे। लेकिन सर, क्योंकि कांग्रेस अभी विपक्ष में, तो क्यों नहीं बीजेपी की, अगर ये कमजोरी है, उसको उठाती हुई नजर आ रही, क्यों नहीं कांग्रेस मजबूती से यहां पर अपने पैर आगे रखती हुई नजर आ रही? बीजेपी की तो आज चिंतन बैठक भी हो गई है, 3 दिन तक चली है उनकी, काफी उन्होंने अपने, वो सरकार में भी है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं? देखिए निधि जी, यहाँ पर थोड़ा सा मुझको अपने मीडिया के दोस्तों से शिकायत है कि वो हमारे प्लस साइड को नहीं देख रहे हैं। आप जरा देखिए, पिछले जब ये कोरोना जब से प्रारंभ हुआ, चाहे वो पहली वेव रही हो या दूसरी वेव आई हो, कांग्रेस निरंतर देश को भी सजग करने का काम कर रही है और सरकार को भी चेतावनी दे रही है और एक रोड मैप बताने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी देश के पहले नेता थे जिन्होंने पिछली फरवरी में जो है चेतावनी दी थी कि भाई कोरोना आ रहा है, सरकार से कहा था चेतो, ठीक है, वो मैं समझ गई, हमारे नेता की मजाक कर रहे, लेकिन मजाक वापस एक सेकंड, हमने जब ये दूसरी वेव आई तो राहुल जी पहले नेता थे देश के विपक्ष के जिन्होंने जो है चेतावनी दी थी कि ये दूसरी वेव आ रही है, ये बहुत खतरनाक है और आपकी तैयारियां शून्य हैं, आप तैयारी करिए करके। अभी हमने इतना जो व्हाइट पेपर, एक डॉक्यूमेंट, वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कोरोना पर आज की स्थिति और आगे की लड़ाई के लिए पूरे देश को तैयार करने का काम कर रहा है। लेकिन हम जो कुछ कर रहे हैं उसको लोग उतना, जितना महत्व देना चाहिए था वो महत्व नहीं दे रहे हैं। हरी जी, सियासत पे अगर मैं वापस लौटूं, पहले व्यक्ति हरी जी विपक्ष, सियासत में वापस लौटूं, जो हमारी चर्चा शुरू हुई थी पंजाब को लेकर, सर पंजाब को लेकर चर्चा शुरू हुई थी, कहा यह जा रहा है जी, कहा यह जा रहा है कि अभी बैठक ही नहीं हो रही है, सिद्धू और राहुल गांधी की बैठक ही नहीं हो रही है, ऐसा है? मुझे उस विषय में, क्योंकि उनके मिलने के विषय में उन्होंने मुझसे कोई बात हुई नहीं थी, बल्कि मैं उनको आमंत्रित कर रहा था मिलने के लिए और उनकी सास की तबीयत कुछ खराब हो गई थी इसलिए वो नहीं आ पाए थे। लेकिन राहुल जी से, प्रियंका जी से कुछ मिलने का प्रोग्राम है, ये मैंने मीडिया में जाना, अब ये क्योंकि बहुत सारे हमारे पंजाब के नेता, देश के नेता हमारे नेताओं से मिलते हैं तो उसका ट्रैक रखना मेरे लिए संभव नहीं है। तो मैं तो एक बात कारण ये क्या संकेत देता है कि इस बैठक को इतना उछाला गया सर और फिर ये बैठक नहीं हो रही है? अगर नहीं, ये हमारी तरफ से नहीं उछाला गया है, ये हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मैं मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं श्री नवजोत जी से संपर्क करूँगा कि क्या ऐसी कोई बात, वो मिलना चाहते तो उनके, वो तो कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि या तो मेरी जानकारी में नहीं है या फिर कोई और बात है कि वो नहीं मिल पाए या मिल पाए, ये मुझे कोई जानकारी नहीं।